अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है टिक्का मसाला। होममेड टिक्का मसाला बनाना बता रही हूँ, वो भी घर के मसालों से। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे पास कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, और सूखे मसालों में हमारे पास ये 3 हमारे पास बादियान के फूल हैं, 1 जवत्री है, थोड़ा सा टुकड़ा हमारे पास जायफल का है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियां, 1/2 टीस्पून हमारे पास लौंग, 4 हमारे पास जो है ये छोटी इलायचियां हैं, 2 स्टिक हमारे पास दालचीनी की, 1/2 टीस्पून हमारे पास टाटरी है, और ये थोड़ा सा फूड कलर है, मैं इसमें रेड और येलो दोनों मिलाकर कलर डालती हूँ। ये हमारे पास 1/8 टीस्पून दोनों कलर हैं, आपकी मर्जी, आप एक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो ये खुश्क मसाले हैं इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, और ये मसाले हम एक साइड पर रखते हैं। चूल्हे पर हमने फ्राई पैन रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखना है, इसमें हमने ये ड्राई रोस्ट करना है। ये हमने सूखा धनिया डाला, जीरा, और ये जितने भी हमारे पास मसाले हैं साबुत मसाले, इन्हें हल्का सा रोस्ट करने से जो हमारी हम टिक्का मसाला बना रहे हैं वो ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी, और ये अच्छे खासे दिन तक हमारे पास ये सेव हो जाता है। इसमें से जो थोड़ी सी नमी होती है मसालों में वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लोग मसाले को ड्राई रोस्ट करते हैं। सिर्फ हमने 30 सेकंड तक इसको ड्राई रोस्ट करना है। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे मिक्सिंग जार में पीसेंगे। बॉल में हम इस तरह से इसे निकाल लेते हैं ताकि हमारे मसाले ठंडे हो जाएं। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम एक मिक्सिंग जार में मसालों को पीस लेते हैं। ये पीस गया है, अब हम इसके अंदर जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो हम डालेंगे। ये हम डालेंगे यहाँ कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले डाल के हम एक दफा मशीन चला लेंगे, यकजान हो जाएंगे हमारे मसाले सारे। हमने अदरक पाउडर डाला, यहाँ हमने नमक डाला, और ये लहसुन पाउडर, टाटरी, और ये फूड कलर, इन सब को हम डाल के एक बार मशीन फिर चलाएंगे हम। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हम आपको दिखाते हैं ना, अच्छा ये हमारा मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही जबरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है, और इसका शक्ल देखें आप कितना अच्छा, और बहुत बारीक ये पिस गया है, इसीलिए मैंने मशीन में पाउडर भी डाल दिए थे। अब आपकी मर्जी, आप छाने या ना छाने, मैं ऐसे ही रखूंगी इसको, और आपको दिखाती हूँ मैं मसाला। ये देखें मसाला, देखें कितना जबरदस्त हमारा बन के तैयार हुआ है। ये मसाला आप जब टिक्कों पे लगाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप फिर हर दफा यही करेंगे कि आप अपना मसाला घर पर ही तैयार करेंगे। और देखें घर के ही मसालों से मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ, तकरीबन हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है। ये हमारा मसाला तैयार हो गया, अब इसको हम एक जार में बंद करेंगे, महफूज करेंगे। जब आप लोगों को टिक्का बनाना हो आप ये मसाला निकालें और इसे इसमें दही में मिलाकर आपने ये मसाला लगाना है। जब आप चिकन में लगाएं या आप गोश्त में लगाएं, दही का इस्तेमाल करें, आपका सारा मसाला जो है सारे मसाले इसमें मौजूद हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला टिक्का मसाला तैयार है। इस तरीके से मैंने एक टिक्का मसाला लिख के लगा दिया है अपनी बर्नी में, और यहाँ मैंने ये देखें आप लोगों को दिखाने के लिए चम्मच में भी डाल के रखा हैगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मसाला मेरा ज़रूर पसंद आएगा, और जब आप ये मसाला लगाएं तो आप 1 किलो गोश्त में
तीन से चार टेबलस्पून दही के अंदर आप मिलाकर फिर आप उस मसाले को जब लगाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपका टिक्का बनेगा। इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी ये भी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को शेयर जरूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। साथ बने बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।